गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डी रिजॉर्ट। और अब हम फार्म पहुंच गए हैं। अब सारे ही बच्चे अंदर हैं क्योंकि बारिश की वजह से इनके स्टेबल थोड़े गीले हो गए हैं, तो इनको अभी पेडॉक के अंदर रखा हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज ये बछेरी आदित्य की है, ये बछेरी पराग की है, वो बछेरी जो आ रही है वो मार्स की है, और जो पीछे बच्चा है वो जयराज का है। जयराज सिद्धराज का है, वो बच्चा सिद्धराज का पोता है। इसकी जो डैम है वो सीताराम वाले घोड़े की है। मनीष अड्डिया, हम घोड़ों के गर्दन के बाल काटते थे ताकि इनकी जो लगाम है वो अच्छे से सेट हो पाए और इनकी गर्दन की जो बनावट है वो अच्छे से दिखे। रेगुलर ग्रूमिंग करनी घोड़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और जब भी आप राइड करें अपने घोड़े को अच्छे से ग्रूम करें, नहलाएं, उसकी जो बाल काटने हैं वो बाल काटें, कानों के अगर आप काटते हैं तो काटें, जैसे मैं कानों के बाल काटता हूँ। अगर आपका घोड़ा लगाम आराम से नहीं लेता है तो आप पहले उसे लगाम देनी सिखाएं ताकि आपका घोड़ा आराम से बिट ले पाए। ये स्टेनलेस स्टील की बिट है जो कि अंदर से खोखली है, और ये हमने दुबई से मंगवाई हुई है। ये हम हमारे राइडिंग के स्टेलियन पे ही यूज़ कर रहे हैं, और अब ये घोड़ा रेडी हो चुका है राइडिंग के लिए। अर्जुन सिंह अब इसको पेडॉक में ले रहे हैं। मैं अभी पेडॉक में ही राइड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, और मैं लंबी राइड में भी नहीं लेके जा रहा हूँ इनको। मैं एक बार में छलांग मार के इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। सो इफ यू आर इन प्रैक्टिस यू कैन डू दैट टू। मेरे को नंगी पीठ राइड करना पसंद है, आई डोंट लाइक सैडल वेरी मच क्योंकि लाइक पर्सनल प्रेफरेंस है। यू वॉन्ट सी मी इन मच ऑफ अ गियर व्हेन इट कम्स टू हॉर्स राइडिंग बिकॉज आई ओनली राइड माई ओन हॉर्सेज, सो आई नो देयर टेम्परामेंट। इवन इफ दे गेट एंग्री, इफ दे डोंट गेट एंग्री, व्हाटएवर दे डू, आई नो हाउ टू कंट्रोल दैट, आई नो हाउ टू टैकल दैट। मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। हमारी जो बिट है वो बिट भी सादी है, वी डोंट यूज एनी हार्श बिट्स ऑन आवर स्टैलियन। जैसे लोग हार्श बिट्स लगाते हैं, यू कैन सी द बिट हियर, वी गोना शो यू द बिट, वेट, दिस इज अ नॉर्मल बिट। जो बिट है ये एकदम नॉर्मल बिट है, एंड ये दुबई से ला रखी है हमने। सो ये बहुत लाइट है वेट में, एंड स्टैलियन इस पेडॉक में मेयर्स भी आती है, तो स्टैलियन है तो कुछ तो थोड़ा बहुत सर नीचे करेगा, उसको भी मार्किंग करनी है। और हमने आज इसको ग्रूमिंग करके सीधा राइडिंग पे डाल दिया। अगेन आई प्रिफर डूइंग एट नंबर, इफ यू आर अ बिगिनर यू ऑलवेज शुड डू एट नंबर व्हेन यू आर राइडिंग अ हॉर्स, इट टीच यू मोर अबाउट द हॉर्स व्हेन यू वांट टू पुट देम इन बैकवर्ड। चलो पीछे चलो। Now when you're riding stallion, the major thing you should be focused on the rein. आप जब rein पकड़ते हैं आपका rein दोनों साइड से बराबर हो। You can use double hand, you can use single hand if you're a beginner, but I prefer using a single hand so I can control it like a steering type में इसको use कर सकता हूँ। If I want to ride him and if I want to go ahead, all I have to say is so this is something he knows.
lot of reasons. अगर आप घोड़ा नहीं समझते हैं, go to a nearest stud farm or a training school. आप पहले घोड़े को समझे, उसका रखरखाव समझे, आप उस घोड़े को कुछ खिलाए पिलाए ताकि घोड़ा आपसे बॉन्डिंग करे, घोड़ा आपसे बदमाशी ना करे, आगे से खड़ा ना हो, आपको मारने की कोशिश ना करे, आपको गिराने की कोशिश ना करे. वो तभी होगा जब आपका घोड़े के साथ बॉन्डिंग होगा. कौन दोस्तों, अगर हम मैं पर्सनली स्टलियन चलाना प्रेफर करता हूँ मेरा मेयर, बिकॉज इनमें थोड़ा दमखम ज़्यादा होता है और ये थोड़ा रॉब से चलते हैं. तो अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको मेयर चलानी पसंद है आप मेयर चलाएं, अगर आपको स्टलियन चलाना पसंद है आप स्टलियन चलाएं. मैंने इसको 20 किलोमीटर भी चलाया है, 30 किलोमीटर भी चलाया है. सो ही इज़ ओके. अगर आपको रेगुलर आप राइड कर रहे हो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो. अगर आप थोड़े दिन पेडॉक में दो, फिर आप अपने जॉब का जगह है वहाँ पर लेके जाओ, थोड़ा फिर बाहर लेके जाओ, फिर आप उसको टेस्ट करना चालू करो कि आपका घोड़ा कितना चल पा रहा है. 500 मीटर टू 1 किलोमीटर आप धीरे धीरे ग्रेजुअल करो, रेस्ट दो, 3000 में रेस्ट लिया फिर आपने राइड किया, तो उससे घोड़ा थकेगा नहीं, उसका इंटरेस्ट मरेगा नहीं राइडिंग में. वरना उसको ये लगेगा कि आप फिर उसको परेशान कर रहे हो, उसका अपना मर्जी से चला रहे हो. अगर मेरा घोड़ा कहीं एक सेकेंड रुक भी जाता है तो दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों रुक रहा है, मैं बस देखता हूँ आजकल क्योंकि इस चीज़ से डर तो नहीं रहा, चमक तो नहीं रहा. तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. कैन कीप ऑन राइडिंग दिस स्टाइल. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. दौड़ा 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 चल. Thank you.
बारिश का सीज़न है और अभी ब्रूड मेयर्स को हमने रिचके के अंदर चढ़ने के लिए छोड़ दिया है। रिचके के अंदर एक तो बबली है, एक गणगौर है और तीसरी रिद्धि है। अब क्योंकि इनको सेल्फ ग्रेजिंग आती है और बाकी घोड़े सेल्फ ग्रेज नहीं कर पाते, जो छोटी बच्चियाँ वो दिन भर मस्ती करती रहती है, इस चक्कर में इनको तो यहाँ छोड़ दिया है। ये तीनों ही घोड़िये प्रेग्नेंट है, सो वी आर श्योर कि ये आपस में लड़ेगी नहीं। अगर आपके पास घोड़े हैं और आप डरते हैं कि आपके घोड़े आपस में लड़ जाएंगे, तो आप उनके पैर भी क्रॉस में बांध सकते हैं, बट आपका स्टाफ और आप खुद में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए।